हमीरपुर जिला के एक क्वारंटीन सेंटर से क्वारंटीन किए गए लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही उनको घर भेजना तथा उसके बाद उनका पॉजिटिव आना प्रशासनिक चूक का एक बड़ा मामला है, जिसकी वजह से वायरस संक्रमण के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि जिस प्रकार जनसाधारण से होने वाली चूक पर उनके खिलाफ डिजास्टर एक्ट के आधार पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ठीक उसी तरह इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये सरकार और प्रशासन कोविड 19 महामारी को रोकने की व्यवस्थाओं को लेकर शुरू से ही कन्फ्यूज में है और प्रदेश की जनता राम भरोसे से ही चल रही है। हमीरपुर जिला के अंदर जिस तरह से एक क्वारंटीन सेंटर से लोगों को घर भेजने के बाद उनकी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, वो प्रशासन की और सरकार की एक बहुत बड़ी भूल और चूक है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इतनी बड़ी भूल होना, इतनी बड़ी चूक होना, ये कोई साधारण बात नहीं है और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के साथ, उनकी सेहत के साथ और एक खिलवाड़ का मसला है। और जहां एक तरफ जो साधारण लोग हैं उनके खिलाफ डिजास्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ठीक उसी प्रकार इस तरह की चूक जिन लोगों की वजह से